हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं कालाबार अमीनो स्किन रेडिएंट फाउंडेशन का फर्स्ट इम्प्रेशन करने जा रही हूँ। ये मैंने रिसेंटली लिया है एक कालाबार स्टोर से, एंड ऑनलाइन इस पे सेल चल रही है, तो ये ऑनलाइन डिस्काउंट पे मिल रहा है 960 रुपीज़ का nykaa.com पे। बट मुझे ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायरी होगा या आउट ऑफ डेट होगा या पता नहीं कैसा भी हो। सो मैंने इसे मार्केट से लिया पूरे के पूरे 1200 रुपीज़ में। इसका प्राइस 1200 रुपये है, एंड मैंने लिया है अपने लिए शेड 001W इवोरी फेयर, आप देख सकते हैं। एंड इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसके प्राइस के हिसाब से थोड़ी कम है, 15 ग्राम है, आप देख सकते हो, 15 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी। एंड या दिस इज़ मेड इन इटली, और इसके बारे में लिखा है अमीनो स्किन रेडिएंट फाउंडेशन। सो अ रेवोल्यूशनरी हाई कवरेज क्रीमी फॉर्मूला डेडिकेटेड टू ऑल स्किन टाइप्स। ये ऑल स्किन टाइप्स हैं, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइजिन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड टू मेंटेनिंग द प्रोटीन लेयर ऑफ द स्किन बाय इम्प्रूविंग हाइड्रेशन एक्टिवली, एंड इट्स ऑल्सो इनरिच्ड विद सोफिस्टिकेटेड ट्रीटेड जैपनीज पिगमेंट्स विच इंश्योर अ कलर फिडेलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन। दिस परफेक्ट सेकेंड स्किन फाउंडेशन एक्ट एज फिलर टू प्रोवाइड फेस स्मूद एंड सैटिन फिनिश विद द प्रेजेंस ऑफ सिलिकन एलास्टोमर्स। सो सैटिन फिनिश विद सिलिकनी टच एंड वाटर रेसिस्टेंस, फ्रेग्रेंस फ्री एंड एलर्जेंस फ्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पढ़ दी हैं, तो इसको मैं ओपन करती हूँ। इसे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया मुझे, एंड इसे मुझे काउंटर गर्ल ने बहुत बार इंसिस्ट किया ख़रीदने के लिए, तो फाइनली मैंने इसे लिया। एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये बोला इसका फर्स्ट इंप्रेशन करने के लिए, उनके लिए भी मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसका बार कोड यहाँ पर दिया हुआ है, एंड यस दिस इज़ the bottle. Oh my god, this is so beautiful, this is pretty different, aap dekh sakte hain. This is Kalabar Amino Skin Radiant Foundation. Iski jo packaging ki baat kare to bhaiya Kalabar ne is pe bahut mehnat ki hai lag raha hai, aap dekh sakte hain. Yeah, Kalabar ke product ki packaging bahut unique hoti hai. सो वैसे ही इसकी भी है, एंड यहाँ पर भी इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, शेड एंड शेल्फ लाइफ, या इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 4.5 साल, 4 से 5 साल है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2017 की पैकेजिंग का है, एंड ये 2021 में एक्सपायरी होगा। या दिस इज़ प्रिटी मच गुड, एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस। दिस इज़ द कैप, मैंने अभी ये खोला नहीं है, मैं इसको बिल्कुल आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। So see my patience. Okay, this is ये कांच का जार नहीं है, ये बहुत हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है। ये अगर आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो ये टूटेगा नहीं, विच इज़ गुड। एंड यहाँ पर ये इसका पंप दिया हुआ है, बट पंप के पहले यहाँ पे इसकी जो ये जो सील है वो लॉक्ड है। सो लेट मी जस्ट ओपन इट। या आप इस तरीके से इसका पंप जब पुश करेंगे तो इस तरीके से, ओ तो ये प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। यस दिस इज द प्रोडक्ट, सो लेट मी जस्ट शो यू। ओके सॉरी, तो इतनी जो क्वांटिटी है वो पूरे फेस के लिए इनफ है। वेट, आप देख सकते हैं, एंड बट ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एंड विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको आप डैप करके ही लगाइए, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से इस यूज़ करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप इसको ब्रश से यूज़ करें तभी भी ठीक है, मगर मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की सजेशन दूंगी। एंड दिस इज़ प्रिटी मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन, एंड इसकी जो एक स्किन एक जो लेयर है वही काफ़ी है। एंड लेट मी जस्ट स्मेल इट। वाओ, इसमें कोई स्मेल नहीं है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है, विच इज़ अमेजिंग।
आप देख सकते हैं। एंड कलर बार के प्रोडक्ट वैसे भी स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मुझे कलर बार के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं क्योंकि वो हमारी स्किन पे हार्म नहीं करते। तो आप देख सकते हैं, ये कवरेज देख सकते हैं इसकी, जो कि मैंने बहुत कम क्वांटिटी लगाई है, बचा हुआ मैंने यहीं पर रख लिया है। ये पूरे फेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड या इसका जो फिनिश आया है वो सिलिकॉनी मैट फिनिश, विच इज़ अमेजिंग। एंड अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इसे दोबारा ख़रीदूंगी, तो यस, मैं इसे दोबारा ख़रीदूंगी। अब मैं इसे अपने मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन से रिप्लेस कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ प्रिटी अफोर्डेबल। एंड या इसकी जो क्वांटिटी है वो इनफ है, बिकॉज बहुत कम मैंने लिया है। जो निकला था वो मैंने यहाँ पर रख दिया वापस से। एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा स्मूथ फिनिश आया है मेरे हाथ पे, जबकि मैंने इसको हाथ से ब्लेंड किया है, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं। एंड फेस पे तो इसका लुक ही एकदम अलग आएगा। और मैं आपको बताऊंगी कमेंट्स में कि मैं इसको रेगुलरली 15 डेज यूज़ करने के बाद कैसा फील कर रही हूँ। बट मैंने ऐसा सुना है कि कलबार अमीनो फाउंडेशन को रेगुलरली 15 डेज तक यूज़ करने पे आपके जो स्किन है उसका टेक्सचर टोटली चेंज हो जाता है। तो आप कलबार अमीनो फाउंडेशन प्लीज़ यूज़ कीजिए, एंड स्पेशली फॉर ब्राइड टू बी एंड न्यूली ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पार्टीज़ में जाने के लिए कोई सेकेंड स्किन टाइप का फाउंडेशन चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगी, ना कि मैं आपको मैक वगैरह का कोई भी फाउंडेशन सजेस्ट करूँगी। एंड या वो 3000 की रेंज से स्टार्ट होते हैं, 2400 की रेंज से, एंड ये ओनली 1200 का है। एंड एक और चीज़, ये जो फाउंडेशन है ये इस तरीके से भी ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखा दूँ इसका जो पंप है। सो अगर आपकी इसमें क्वांटिटी ख़त्म हो गई है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसका पंप अगर ओपन नहीं हुआ तो इसका अंदर का प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा या जो भी हो जाएगा तो हम यूज़ नहीं कर सकते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे ओपन करके ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से हाथ से लेके इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बॉटल है ये पूरी ओपन भी हो सकती है, अगर आप इसको डायरेक्टली ना लेके पंप से ही लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें मिनरल्स और अमीनो है। सो इसके लिए अमीनो एसिड, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्प करता है, तो वो ना निकले, एंड मिनरल्स हैं इस वजह से। सो मैं आपको कलबार अमीनो स्किन रेडियंट फाउंडेशन डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, डेफिनेटली। एंड या मैं इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें जो शेड नंबर 2 है जो पिंक टोन पे है, अगर आप उसे खरीदेंगे तो आप उसको खरीद के बार बार पछताएंगे। इसलिए आप कोई भी, भले ही आपकी स्किन टोन फेयर हो, आपकी स्किन टोन डार्क हो, मीडियम हो, इसमें 6 शेड हैं आई थिंक, या 6 शेड हैं, तो ठीक है, बट आप शेड नंबर 2 ना ख़रीदें, क्योंकि वो एज अ प्राइमर काम कर सकता है, बट वो फाउंडेशन की तरह नहीं। वो आपके स्किन को बहुत वाइट वाइट एंड ग्लोई तो दिखाएगा, मगर वो उससे आपको कवरेज नहीं मिलेगा, तो आप येलो टोन की तरफ जाएं। अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो शेड नंबर 1 एंड शेड नंबर 3 इज़ गुड फॉर यू। अगर आपका मीडियम स्किन टोन है तो आप शेड नंबर 4 पे जाइए, या फिर शेड नंबर 5 पे, या फिर डार्क है तो शेड नंबर 6 पे, बट शेड नंबर 2 मत खरीदिएगा। एंड दिस इज़ माई हाईली एडवाइस फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, कलबार अमीनो फाउंडेशन, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड यस, आप मेरे चैनल रारा को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज रारा को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मेरा इंस्टाग्राम पेज रारा प्रोडक्ट भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।